किसी तरीके से पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, भला यहाँ हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, यहाँ के जेल में रहेंगे, वहीं से। ये गदर फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है कि यहाँ से सनी देओल गए और वहाँ से उठा करके चले। अब तो कह रहे हैं कि गदर फिल्म भी हमको बहुत पसंद आने लगा, पहले नहीं देखते थे लेकिन अब रोज देखते हैं। नहीं, गदर तुमको अब शुरू होने जा रहा है, जब मिलिट्री इनको हैंडओवर करेगा और सचिन जी को जब वहाँ की पुलिस पकड़ ले जाएगी तो गदर इनका अपने आप हो जाएगा। कैसे वो इंडिया में आ गई? एक घुसपैठिए को अपने घर में शरण देना अपने आप में कानूनी अपराध है, इसलिए उसको जेल जाना इंडिया भेजा गया है। चूंकि इसके पास टीम मोबाइल भी है, एक सिम भी है पाकिस्तान का, आधार कार्ड 3 इसके पास में है, कुछ वैक्सीनेशन का कार्ड भी इनके पास बरामद हुआ है अभी। तो ऐसे बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपत्तिजनक है इनके पास में, तो इन पे शक जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद, मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सीमा सचिन बड़ी मुश्किल का शिकार हो चुकी है। सीमा सचिन का मामला भारत के अंदर फिर से गर्म हो गया है और ये वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने लगाई स्टार्ट में, ये पूरी वीडियो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा अगर आपने मुझसे रब्ता किया। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें, जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जनाब ये मैंने पूरी वीडियो नहीं लगाई, ये भारत के एक वेल नोन और बहुत बड़े वकील हैं और इन्होंने बड़ी जेन्युइन बात की। इन्होंने कहा कि जनाब मुल्क के अंदर आने का और मुल्क से जाने का एक तरीकेकार होता है, अगर वो तरीकेकार आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये गदर मूवी नहीं चल रही है कि भाई वो जाएंगे और किसी को उठा के लेकर आ जाएंगे और फिर उसको वापस नहीं भेजा जा सकेगा। सीमा सचिन अगर पाकिस्तान वापस नहीं जाती हैं तो उनके पास जाने के लिए एक ही ठिकाना है और वो है जेल का, और जेल उनको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सचिन जो है वो सनी देओल बन जाए और कह जाए जनाब मेरी लाश के ऊपर से गुजरने जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये फिल्म नहीं चल रही है। सीमा के खिलाफ अब कार्रवाई बड़ी तेज कर दी गई है और अभी मैं आपको इतला देता हूँ, एक बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है ना, अभी रात के इस पहर सीमा सचिन के घर पर छापा मारा गया। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि सीमा सचिन के बच्चों को उससे अलग करने की बात की जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि जनाब उसके बच्चों को जान के खतरात हैं इसलिए उसके बच्चों को अलग किया जाए, फिर सीमा के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। सीमा ने एक नहीं कई दफा ये बात बोली है कि भाई मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, आप चाहो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी तक 95% जो भारतीय आवाम है वो ये चाहती है कि भाई ये औरत वापस चली जाए, और उसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आई है। एक इंसान की नस्ल होती है, एक इंसान का खानदानी बैकग्राउंड होता है, इसकी माशाल्लाह ये दोनों नहीं है। इसने जिसके साथ वफा किया है उसको जाके डसा है, मतलब जो इसके साथ वफा करेगा ये सबसे पहले उसको डसेगी, उसके बाद बाकी लोगों को डसेगी। इसने अपने माँ बाप को डसा, इसने गुलाम हैदर को डसा, ये अपने बच्चों को डसने की कोशिश कर रही है, इसने अपने मुल्क को डसा है, अपने दीन को डसा है, अपनी अपने कल्चर को डसा है, किस किस चीज़ को नहीं डसा है। सब इसका सबसे बड़ा मसला पता है क्या हुआ है, अभी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि जब इसके घर पर छापा मारा गया तो क्या क्या चीज़ें ऐसी निकली जो कि अब दोबारा से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। अभी तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई थी लेकिन उसके बावजूद इसके घर पर छापा मारा गया। जनाब बड़ी सिंपल सी बात होती है, आप जहाँ से उठकर आते हो ना, आप कहीं और जा रहे हो, आप उसके लिए जो कहना चाहो कहो अच्छे अल्फाज में, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, लेकिन आप जहां से उठकर आ रहे हो 30-32 साल आपने जहां गुजारे हैं, अगर उस मिट्टी को बुरा कहोगे तो उस मिट्टी का दुश्मन जो होगा ना, उस मिट्टी का दुश्मन वो भी आपको गलत कहेगा, क्योंकि आपके मोरल्स नहीं है, आपकी बुनियादें ही खराब हैं, आप अपने आप को बेच के कोई चीज हासिल करना चाह रहे हो। और सीमा सचिन के साथ यकीन करें यही हो रहा है। सीमा सचिन के घर पर छापा मारा गया और जब छापा मारा गया ना तो उसके पास से एक और चीज़ बरामद हुई है जो कि बड़ी ख़तरनाक है। सीमा सचिन के पास इससे पहले बताया जा रहा था कि 5 फोन्स थे उसके पास, सिम थी, पासपोर्ट थे, आधार कार्ड था, NIC था जो कि पाकिस्तान का बना हुआ था, और अब उसके घर से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और उसको ये कहा गया था, अहकामात थे जब उसको ज़मानत दी गई थी कि आप कोई भी चीज़ करेंगी, कम्युनिकेशन का कोई भी रास्ता इस्तेमाल करेंगी तो आप अदालत को पेशगी इत्तला देंगी। कोई भी ज़मानत होती है ना, उस जमानत के लिए कुछ टर्म्स डिसाइड होती हैं कि भाई ये टर्म्स हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया था और उसकी एक तवील अरसे बाद उसको जमानत मिली थी, 1 महीने के लिए उसको जेल भेजा गया था, लेकिन उसके बाद जब उसकी जमानत हुई है ना तो बड़ी कड़ी शरायत थी कि वो अपना पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, वो मुंबई छोड़ के नहीं जाएगा, वो किसी से बात करेगा तो NCB को बताएगा, ये तमाम चीज़ें थी जो कि उस शरायत का हिस्सा थी। सीमा सचिन इस वक्त जो हालात है ना उसके घर के, उसके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं, जितना वो दुनिया को दिखा दे यार मैं बड़ी खुश हूँ, उसके पास कुछ नहीं है इस वक्त। सचिन को और सीमा को दोनों को कोई रोज़गार फरहम नहीं कर रहा है,
और उसकी वजह यह है कि 95% आवाम, 95% इंडियन मीडिया, 95% गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो ये बात समझते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी जासूस है और आज नहीं तो कल इसको जेल के अंदर चले जाना है। और अभी आपने गुफ्तगू सुनी है, बड़ी दिलचस्प बात की इस वकील ने। इसने कहा है कि चलें एक जासूस आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के ममालिक में होते हैं, लेट सपोज वो तो मान रहे ना जासूस है। इन्होंने ये बात बोली है कि जो उस जासूस को घर के अंदर पना देगा, जो उस जासूस के लिए अपने दरवाजे खोलेगा, चाहे वो रोजगार के हों, चाहे घर के हों, चाहे दस्तरखान के हों, वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम करार पाता। तो सचिन तो जाएगा ही जेल में, सीमा भी जेल में जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त दिक्कत है, प्रॉब्लम है जो इस वक्त जो सामने नज़र आ रही है, वो ये कि यार इसके बच्चों का क्या होगा। इसने अपने बच्चों का नाम भी बदलवा दिया है, दीन भी चेंज करवा दिया है, मज़हब भी बदलवा दिया है, ये सारी चीज़ें इसने अपने ही माँ पे की हैं। इसके बारे में मेरे पास इतने क्लिप्स हैं इंडियन मीडिया के, आप यकीन करें मैं जब देखता हूँ ना, तो अब मुझे इस पर बिचारी पर तरस आने लग गया। पहले तो मुझे इस पर तरस भी नहीं आता था, अब मुझे इस पर तरस इसलिए आने लग गया है कि यार ये जिस थाली में जाके खा रही है ना, उस थाली में कोई इसको खाना नहीं परोस के दे रहा है, कोई रख के नहीं दे रहा है, ये इस तरह की औरत हो चुकी है, कोई इज्जत नहीं करता इसकी। अभी इसके बड़े बेटे फरहान पर हमला किया गया, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया भी। अब इसको दोबारा गिरफ्तार करने की बात की जा रही है और इसके खिलाफ जो ट्रायल है ना, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ये जमानत पर रहा है, इसको नेशनलिटी देने की बात करना, इसकी दीगर चीजों की बात करना भी बहुत दूर की बातें हैं, ये दूर के ढोल सुहाने वाला हिसाब किताब होता ना, ये वो है। अभी 14 अगस्त आ रही थी, 15 अगस्त आ रही थी, इन तमाम चीजों में सीमा को इस्तेमाल कर तो लिया भारत ने, या भारतीय मीडिया ने, भारत का भी मैं नहीं कहूंगा, भारतीय मीडिया ने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन अब वो इनके इस्तेमाल के काबिल नहीं है। नोएडा के बड़े छोटे से घर के अंदर रहती है, जहां पर यकीन करें किचन के मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सिवाय खोखले बर्तनों, वो भी इस तरह के बर्तन के आप किसी जानवर को उसमें खाना दें, इसके अलावा उस घर के अंदर कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। आप सोचो 4 बच्चे किस तरह से पल रहे होंगे, किस तरह से उसको पाला जा रहा होगा, किस तरह से उसके सारे मामलात को बेहतर किया जा रहा होगा, बड़े मुश्किल हालात में है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन उसके लिए नहीं है। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राबता कर सकते हैं, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें, जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा। ख्याल रखिएगा।